हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता क्रिएशन एंड ब्लॉग। तो पिछली वीडियो में मैं आप सबसे बोली थी कि 10 साल के बाद कोई आ रहा है मेरे घर में, आ रही है। तो हाँ जी, वो आ गई हैं। आप लोग देख सकते हैं, नया सदस्य हमारे घर में आ गई है। और ये है मेरी बहन, यानी कि मेरी सिस्टर, मेरी से बड़ी है और आई है विशाखापट्टनम घूमने, ठीक है। और उनकी दो लड़कियां हैं, बड़ी क्यूट क्यूट सी, देख रख सकते हैं। कैमरा जब मैं ऑन कर रखी हूँ तो इसमें बोल रही है, बोलने को कह रही थी। तो ये है बड़ी वाली बेटी, इसका नाम है आस्था। और जो छोटी वाली बेटी है उसका नाम है सानवी। तो नाम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल घूमने जा रहे हैं। मैं प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में पति को, बच्चे को, सबकी तबीयत ख़राब थी। चिकन पॉक्स हो रखा था, इस वजह से टाइम नहीं मिलता था, तो वीडियो तो प्रॉपर नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, जितना हो सके उतना मैंने ज़रूर शूट किया है, वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग के साथ शेयर ही नहीं, मैं अपनी यादें भी जो है कैप्चर कर रही हूँ, यादें भी बना करके रख रही है, जो मैं कभी कभी 2 साल 4 साल बाद जब मुझे ये चीज़ देखने का मन करे तो मैं वापस से इसको वीडियो ऑन करके देखूँ तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ऐसे भी पल हमने जिंदा रहे हैं और जिए हैं। तो चलिए, ये पेट्रोल पंप के पास पतिदेव जो हैं गाड़ी लेके आए हैं, यहाँ पे तेल भरवाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे घूमने। और घूमने के लिए कहाँ निकलेंगे, चलिए वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं और देख सकते हैं कहाँ आए हैं। आप लोगों को जगह जानी पहचानी लग सकती है। तो मैं आई हूँ कैलाश गिरी। यहाँ का जो सिटी का एरिया है ना, आज ही यहाँ से घुमा देंगे। 4-5 जगह है, जैसे कैलाश गिरी है, सेंट्रल पार्क है, बीच है, मतलब जो यहाँ का फेमस फेमस सिटी के साइड में है वहाँ मैं घुमा दूँगी। और छोटी वाली मेरा बड़ा वाला बेटा है, वो मेरी दीदी की लड़की का हाथ पकड़ रखी है और बड़ी शैतान, बड़ी क्यूट है, मस्ती बहुत ज़्यादा करती है, तो इसलिए हाथ पकड़ के रखी है। और ये देखिए, यहाँ पे हम ओवर वॉइस करनी पड़ रही है क्योंकि शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा था। और एक दुर्घटना भी हो गई थी जब हम लोग घूमने जा रहे थे, तो किसी बाइक वाले ने मेरे कार को ठोक दिया, मतलब वो आगे से पूरा पिचक गया है। मैं वीडियो तो बना नहीं पाई लेकिन सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये हो गया था। यहाँ पे मैं गुस्सा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये इधर उधर भाग रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर गुस्सा भी कर रही हूँ। और चलिए कैलाशगिरी में चलते हैं एंट्री। तो ये खाना वगैरह हम लोगों ने घर से बना के लेके गई थी कि वहीं पे बैठ के खाना वगैरह खाएंगे, एक पिकनिक टाइप का मनाने गई थी। और ये मेरे जिया जी हैं और मेरी दीदी हैं और छोटी वाली बेटी को जिया जी जो है वो ले रखे हैं। तो बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। और मेरा जो है छोटा वाला बेटा और इसके पापा और बड़ा वाला बेटा आस्था को ले रखे। तो यहीं पर मैं बता रही थी कि यहाँ पर ऊपर से दिख रहा है कैलाशगिरी ऐसे लिखा हुआ, और यहाँ पे घोड़े की सवारी वगैरह होती है। आप लोगों ने मेरे वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में देखा ही होगा, मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि मैं यहाँ पे कितनी बार आ गई हूँ। तो चलिए आप लोग वीडियो का एंजॉय करिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, प्लीज़ 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 अगर वीडियो कोई नया लोग देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ में फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। घर में जितने सारे फ़ोन हैं सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो चलिए वीडियो एंजॉय करिए। और ये अंदर जाने का रास्ता है, पहली बार मैं दिन में और खाना वगैरह बना करके ले गई हूँ तो काफ़ी मज़ा आया था। साथ में आप लोग के साथ जितना हो सके उतना शेयर करूँगी। तो यहाँ पे छोटी वाली जो बेटी है ना, उसको लेकर के पति देव बैठे हुए थे क्योंकि उनकी, उनके हस्बैंड के अंदर ना वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो ज़्यादा घूम उम नहीं रहे थे। तो हाँ, मैं और जिया जी हैं जो घुमा करके ले आए थे दीदी को, मैं घुमा के ले आई थी अगल बगल में जो भी एरिया है। और उसके बाद सेंट्रल पार्क गए थे, वहाँ पे ये पानी का शो चलता है, तो ये पानी का शो हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद फिर बीच पे बैठे थे। और बाकी वीडियो में देखते रहिए, आप पता चलते जाएगा। Thank you.
का शो वगैरह देखने के बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। उसके कल होके मैं गई थी, जू गई थी घूमने, क्योंकि ये देखिए मोर जो है डांस कर रहा है और यहाँ पतिदेव फोटो खिंचवाने के लिए खड़े, तो मैं थोड़ा सा वीडियो भी बना ली थी। और यहाँ पे ये देखिए ये जो डक है ना, वो एक मछली को पानी में से मतलब जिंदा मछली को पकड़ लिया चोंच से और उसे कट करके खा रहा था। पता नहीं भगवान भी ना कैसे कैसे मतलब चीज़ बना देते हैं। इस डक को देख के मुझे बड़ा एक आश्चर्य हो रहा था। जो डक है ना, पता नहीं ये डक है कि क्या है, तो ये डक है ना, इसके मतलब इतने अच्छे फ्लावर बने हुए थे ना इसके पंखों पे, पीछे की साइड में आप लोग देख भी सकते हैं थोड़ा सा जूम करके, बहुत अच्छे बने हुए थे। मतलब इसको देखने के बाद ऐसा फील होता है ना कि हाँ, धरती पे भगवान को भी फुर्सत नहीं होगा एक मिनट के लिए भी। और फ्लावर जैसा जैसे जैसे वो रहता है ना गुलाब रोज, उस टाइप का बना हुआ था इसके पीछे की साइड में डिज़ाइन, जो कि काफ़ी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने भी इसको पहली बार ही देखा है, आई थिंक यूँ कहिए कि ध्यान से पहली बार देखा है। तो जू गई थी घूमने और जू के बाद वीडियो देखिए आप सब। तो हम लोग अफ्रीका में आ गए हैं ना? नहीं तो ये चलो बताओ क्या है ये? हिप्पोपोटामस। दूर रहो ना, दोनों भाई दूर। क्या है ये? हिप्पोपोटामस। कितने केजी का है? 32,000 या फिर 13 और 50 शॉर्ट फॉर्म। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका रिवर। ओके, वो देखो 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 इतना बड़ा फेस है क्या। एक यहाँ है और एक पानी में है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड आप लोग अपना ढेर सारा वाला ख्याल रखिएगा और प्लीज़ हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी सारी ब्लॉग और मेरे ज़िंदगी के अच्छे से सुनहरे पल में आप लोग शामिल होते रहें। तो चलिए इंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा और साथ में मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर की जो बेटी है वो कैसी लगी। तो चलिए फाइनली वाला बाय।